वालेकुम, वेलकम टू डे ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? ये अपडेट ब्लॉग है, काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो क्यों नहीं आ रहे थे तो वो हम इस ब्लॉग के थ्रू बताएंगे आपको। ब्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं एक अच्छे फ़ोन की तलाश में मार्केट में घूम रहा था। रेंज भी देखें, पसंद भी देखें, बट इन दी एंड पीस वही ख़रीदें जो आपके दिल को छू, मतलब जो आपको दिल से पसंद हो, कि जिसे आप देख कर ये लिया है ना मोबाइल। तो मैंने अपना पहला ब्लॉग मोबाइल में बनाया था, तो इसीलिए मुझे आगे भी ब्लॉग मोबाइल पर ही बनाने थे। उसके लिए मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए था। मैं अगर अपनी मम्मी को कहता कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए तो मम्मी मना नहीं करती, दिला देती मुझे। मगर जैसे ही मैं अपनी मम्मी को बताता कि मम्मी मुझे चाहिए आईफोन एक्स, कोई बात नहीं बेटा ले लो, जब मैं मम्मी को इसकी कीमत बताता तो हमारे घर में एक अलग ही सिचुएशन होती है। खोले तो करनी है, दूसरा वाला ख़रीद लो। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी मैं कर लूँगा। और एक जो चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी की समझ में नहीं आती, मुझे अक्सर लोगों की समझ में नहीं आती कि यार हालात ख़राब चल रहे हैं तो काम कर लो, सस्ते वाला मोबाइल ले लो। सस्ते वाला कितना? 10-12 हज़ार वाला। मतलब अगर सस्ते वाला मोबाइल तुम्हारे ऐसे कुछ छीनेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, मतलब 10-12 हज़ार रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। और जो 50-60 हज़ार वाला मोबाइल तुमसे छीनेगा तो उसमें तुम्हें दुख होगा। भाई देखो, 50 हज़ार भी मैंने से कमाया, 10 हज़ार भी मैंने से कमाया। छीनने वाला ये नहीं देखेगा कि मोबाइल 50 हज़ार का है या 10 हज़ार का, वो छीन के चला जाएगा। तो इस सोच को दिमाग में रख के मोबाइल ना लेना मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। तो यही सोचते हुए मैंने सोच लिया कि बस सही है, ठान लिया कि अब तो आईफोन लेना है, लेना है, लेना है। मगर आईफोन ले कौन सा, 7 चला चुका हूँ, 7 प्लस चला चुका हूँ, 8 प्लस चला चुका हूँ, 6 चला चुका हूँ। तो भाई अब बच गया एक्स, और एक्स औकात से बाहर था। हमने बहुत ढूंढा एक्स, फिर जाके औकात से तो बाहर ही था, मगर फिर भी एक रेंज में एक्स मिल गया हमें। तो वो एक्स हमने परचेज़ कर लिया और हमने सोचा कि अब बनेगा ब्लॉग। मगर उसके लिए भी कॉन्फिडेंट चाहिए कि कैमरा अच्छा आ गया मगर बोलना नहीं आता तो किसी काम का नहीं है कैमरा। तो हमें बोलना सीखना है और सीखते रहना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा कैमरा चाह रहा था कि जब कहीं भी बैठ के मैं वीडियो शूट करूँ तो एक नेचुरल लाइट इफेक्ट के साथ मेरी वो वीडियो रिकॉर्ड हो। तो ये काम मेरा बहुत आसान करते हैं मेरे न्यू फोन में। इतना ऊपर चढ़ के आया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो ये जो बादल है ना, ये वाले रिफ्लेक्शन वाले बादल, ये जो शाइन, ये कोई दूसरा स्मार्टफोन नहीं दिखा सकता जो रिज़ल्ट आपको आईफोन प्रोवाइड करता है। मगर ये जो मोबाइल था, ये मेरा ड्रीम मोबाइल था बहुत टाइम पहले, 2 साल पहले। इरफान भाई को चलाते हुए देखा था तो सोचा था जिस दिन जब पैसे आएंगे यही मोबाइल परचेज़ करेंगे।